अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही लगे घंटे के बटन को दबाएं, ताकि हम जब भी हमारे चैनल पर नया वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। एचपी के माध्यम से हम उनका बहुत बहुत आभार प्रदर्शन करते हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में हमारे उद्योग प्रभारी भारतीय मजदूर संघ के परम आदरणीय हमारे मार्गदर्शक श्री साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं उनका बहुत आभार प्रदर्शन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में पाठक जी जो हमारे एक्स सेक्रेटरी जनरल है, वो भी यहाँ पर पधारे हैं, उनका मैं धन्यवाद देता हूँ। आज हमारे बीच में माननीय सेक्रेटरी जनरल जिनके कुशल नेतृत्व में हमने डिवीजन लेवल पर धरना दिया जो बहुत अधिक सफल रहा, उसके बाद सर्किल लेवल पर धरना दिया वो भी आप लोगों ने मीडिया में अपने बात का पर देखा होगा, वो भी सफल रहा। आज 11:30 बजे से यहाँ पर यह धरना चल रहा है और माननीय सेक्रेटरी जनरल संतोष जी के नेतृत्व में 11:30 बजे से 2:30 बजे है और 4 घंटे की मीटिंग, 4 घंटे की मीटिंग हमारी डिपार्टमेंट पोस्ट के साथ हुई, जिसमें समस्त सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी और माननीय संतोष जी के नेतृत्व में उस मीटिंग में हम लोग थे। जो हमारा 48 पॉइंट का जो मेमोरेंडम था जो हमने डाक विभाग को दिया था, उसके अलावा भी जो इंडिविजुअल आइटम थे जो मेमोरेंडम के अंदर नहीं थे उनमें भी हमने चर्चा किया है, वो मैं संक्षिप्त में यहाँ पर रखूंगा। उसके बाद हमारे परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय और उसके बाद हमारे सेक्रेटरी जनरल आपके सामने बात रखेंगे। हमारे जो एजेंडा के अनुसार जो पहला आइटम था जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है डिपार्टमेंट पोस्ट के अंदर, और उस वेरिफिकेशन प्रोसेस में तमाम एनामली है, कोई भी डिविजनल सुपरिंटेंडेंट उसको सीरियसली नहीं लेता और उसको बाबू के सुपरत अकाउंट के अकाउंटेंट के सुपरत कर देता है, और उसके कारण हमारी विभाग में एक अच्छी परसेंटेज होने के बाद भी डबल हो जाते हैं फार्म, उसमें हम पीछे रह जाते हैं। तो डिपार्टमेंट के साथ एक वार्ता हुई है, आज वो समझौता हुआ है और हमने भी डिपार्टमेंट को कुछ हमारे तरफ से सजेशन दिया है, या तो डिपार्टमेंट फार्म सप्लाई करे, या आज एक प्रपोजल आया है कि उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट करा सकता है, और उसमें लगभग हमने जो प्रपोजल दिया है हमने डिपार्टमेंट को बोला है कि हम ऑनलाइन में भी तैयार है, और यदि डिपार्टमेंट फार्म सप्लाई करता है डिपार्टमेंट उसको ऑप्ट करता फार्म लेता है, लेकिन डबल नहीं होना चाहिए, ऐसा आज हमने उनसे कहा है और उसमें आज चर्चा हुई। अनुकंपा नियुक्ति का दूसरा जो आइटम था जीडीएस में माननीय संतोष जी के, माननीय सुगंधी जी के प्रयास से जीडीएस में भारतीय पोस्टल एम्प्लॉज फेडरेशन ने 100% अनुकंपा नियुक्ति दिलाई, 100%। और डिपार्टमेंट पोस्ट में भी जो डिपार्टमेंटल कर्मचारी है उसके लिए हम प्रयासरत है कि 100% अनुकंपा नियुक्ति होना चाहिए, लेकिन जो डीओपीटी का मामला है, कार्मिक मंत्रालय का मामला है, इसलिए उसको हमने बोला कि आप उसको कार्मिक मंत्रालय को एक बाजी टू रिकमेंडेशन के साथ भेजिए। और उसमें एक और बात आई है कि यदि ये जब तक पेंडिंग है तो जो जीडीएस की वैकेंट पोस्ट है ड्यू टू रिटायरमेंट या जो भी कारण से वैकेंट है, उसमें यदि कोई डिपार्टमेंटल एम्प्लॉज एक्सपायर होता है तो उसको भी अनुकंपा नियुक्ति दी जा सकती है। एक प्रोफेशनल डिपार्टमेंट ने लगभग माना और इस दिशा में वो काम करेंगे। आगे जो बेंचमार्क सिस्टम है, जो डिपार्टमेंट में बेंचमार्क चल रहा है, इसके कारण गुड और वेरी गुड के कारण कई लोगों को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, इसमें भी बहुत से लोग इन्वॉल्व है, कई पर्सनल केस में चर्चा भी हुई है, सीतापुर के मनोज कुमार है, ऐसे कई प्रकरण है। तो डिपार्टमेंट के अंदर में ये मामला तो नहीं है, लेकिन डिपार्टमेंट ने ये कहा है कि इसको हम पॉजिटिव रिकमेंडेशन के साथ भेजेंगे और एक सर्कुलर डाक विभाग से जारी होगा, और उसमें ये होगा कि वो जो भी केस पेंडिंग है पूरे इंडिया में और अधिकारियों को एक रिकमेंडेशन एक लेटर जाएगा कि अब कोई भी कर्मचारी को वेरी गुड रिमार्क दिया जाए जिसको पनिशमेंट नहीं है, चार्जशीट नहीं है, उनको छोड़कर कोई इंस्ट्रक्शन जाएंगे डिपार्टमेंट से कि यदि उसके खिलाफ कोई पनिशमेंट नहीं है
तो उसको वेरी गुड रिमार्क दिया जाएगा सीजीएस की फैसिलिटी के मामले में। एक इसमें आइटम था सीटीएस जो होता है केंद्रीय सामूहिक स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके माध्यम से कर्मचारियों को स्वास्थ्य का मिलता है, उसमें कैशलेस किया जाए उसको, ऐसा एक हमारा रिकमेंडेशन एक आइटम था। तो उसमें डिस्कस हुआ है कि इसके मामले में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को जो स्वास्थ्य विभाग है उसको पॉजिटिव रिकमेंडेशन के साथ में ये मामला भेजा जाएगा। एक स्पेशल इशू था आंध्र और तेलंगाना के मामले में, वहां जो कैडर स्ट्रक्चर की गड़बड़ी थी उसमें भी डिपार्टमेंट ने ये माना कि वहां से रिपोर्ट मंगाएंगे, जो बंगाल के अंदर रोटेशन लिस्ट जो प्रॉपर प्रिपेयर नहीं हुई थी और कैडर स्ट्रक्चर हुआ था, एलएचयू प्रमोशन हुए थे, उसकी रिपोर्ट मंगाई जाएगी। और तेलंगाना आंध्रा में जो कैडर स्ट्रक्चर के मामले में गड़बड़ी हुई है, वो एक साल जिनको नहीं हुआ डिक्लाइन का, उनको प्रमोशन दिया और जूनियर बनाकर प्रमोशन दिया है, इसके भी रिपोर्ट मंगाई जाएगी। एक और आइटम था जो मैं यहाँ बताऊं कि जो इसमें जो लिखा था कि जो पोस्टमास्टर कैडर को जो 3% इंक्रीमेंट दिया उसको एलएचजी का इंक्रीमेंट 3% एलएचजी वालों को इंक्रीमेंट देना चाहिए, लेकिन इसमें मैं स्पष्ट बताने जा रहा हूँ कि उस मामले में विभाग ने कहा कि ये डीओपीटी से रिजेक्ट हो गया है और पोस्टमास्टर कैडर को जो दिया है वो भी वापिस होने की इसमें संभावना है। एक किसी को वो न रखे, पूरे एक देश में टीए में फंड नहीं है, एमआर में फंड नहीं है, पूरे जीडीएस कर्मचारियों को ट्रेनिंग दिलाई जाती है, आईपीवी की ट्रेनिंग, सीएसआई की ट्रेनिंग, लेकिन कोई पैसा नहीं दिया जाता। उसके मामले में डिपार्टमेंट से उठाए हैं और मैक्सिमम टीए का फंड हर विभाग में हर संभाग में प्रोवाइड कराया जाएगा, ऐसा हुआ। सबसे फंडर का है विभाग में अरबों करोड़ों के गबन हो रहे हैं, करोड़ों के गबन हुए हैं और वो गबन सीएसआई के बाद हुए हैं और उसमें सब्सिडी अफेंडर बनाया जा रहा है। संतोष जी ने स्पेशली बनारस का केस वहां पर दिया, हमने चंद्रपुर का जो हमारा केस है जिसको दो दिन में सब अकाउंट में काम किया था उसको पनिशमेंट दिया है, तो हमने सब्सिडी अफेंडर बनाने की प्रथा जो है उसको समाप्त किया जाए। हरासमेंट का मामला, एक और मामला उठाया जो इस एजेंडे में नहीं था, आईपीओ का जो एग्जामिनेशन हुआ जो माननीय संतोष जी ने अभी वो आइटम वहां पर उठाया विभाग के सामने, पिछले दिनों आईपीओ का एग्जामिनेशन हुआ, नियम के अनुसार उसमें सील बंद कवर में पेपर जाना चाहिए, लेकिन वो प्लास्टिक कवर में सेलो टेप चिपकाकर पेपर गए हैं और कई जगह ऐसा हुआ कि पेपर दो की जगह पेपर तीन बांट दिया गया है। उसको भी जो डीजी मैडम है उसने सीरियसली लिया है और उसको बोला कि इसको एग्जामिन करेंगे। अकाउंटेंट का स्केल डाल विभाग में एक अकाउंटेंट होता है, उसमें पिछले दिनों स्पेशल पे का मामला था, स्पेशल पे समाप्त कर दी, बंद कर दी गई थी एक मीटिंग के बाद, उसके लिए विभाग ने कमेटी बनाई है और एक मीटिंग के बाद वो मामला है अकाउंटेंट का अलाउंस जो है वो मामला सेटल हो जाएगा और आदेश जारी हो जाएंगे। रूल 38 के मामले विशेषकर महाराष्ट्र में और कुछ मामले बिहार के अंदर पेंडिंग है, हमने रूल 38 के मामले में ऐसे जो कैंसर पेशेंट है महाराष्ट्र के अंदर में पिछले दिनों चीपीएमयू से मिला था, 3 कैंसर पेशेंट महाराष्ट्र के अंदर है और जिनका रूल 38 का ट्रांसफर नहीं हो रहा। आज डीडीसी पी मैडम ने बोला है वो आपके 3 जो कैंसर पेशेंट है महाराष्ट्र के उनका केस कंसिडर हो जाएगा। मैक्सिमम रूल 38 के केस महाराष्ट्र के अंदर पेंडिंग है, दूसरे सर्किल में भी पेंडिंग है लेकिन मैक्सिमम पेंडिंग है और उसमें हमने विभाग से निवेदन किया है वो सीरियस लेने से। पटना के अंदर माननीय अध्यक्ष महोदय ने बताया कि पटना के अंदर जो एक लेडीज है जो कर्मचारी है उसको कैंसर है और कैंसर के बाद उसका ट्रांसफर वो जहां चाहती है 38 में नहीं हो रहा है। ऐसे तमाम केस जो इलनेस के आधार पर 38 के पेंडिंग है, जो पति पत्नी एक जगह काम कर रहे हैं उनके पेंडिंग, उनको विचार कर उनको सेटल किया जाएगा। आरएमएस का कैडर स्ट्रक्चर का भी मामला जो है वो पेंडिंग है और उसमें भी डिसीजन होगा। ईडी के मामले में माननीय सुगंधी जी मिश्रा जी आपको बताएंगे, जैसे मैंने बताया संतोष जी ने
बहुत प्रेशर डालकर बोला है कि 1-1-2016 से जो ईडी का जो पे स्ट्रक्चर लागू किया गया है बाद में, और 1-1-2016 से जब से ईडी कमेटी ने रिकमेंड किया है वहां से लागू होना चाहिए। ईडी के और भी मामले बहुत से थे, माननीय सोनंदी जी ने उठाया है, सोनंदी जी उसको आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि जीडीएस के किन किन मामलों में। एक जो सेंसिटिव मामला है, संतोष जी ने बोला है कि जैसा फेडरेशन है पोस्टल का ऐसा ईडी में भी फेडरेशन बनना चाहिए, वहाँ बीपीएम है, एडी बीपीएम है, दो यूनियन बनना चाहिए और उसका फेडरेशन बनना चाहिए। और माननीय सोनंदी जी मिश्रा ने बोला है कि मेरे को समझ से ट्रेड यूनियन फैसिलिटी ईडी यूनियन को चाहिए, ये मदरली ट्रीटमेंट नहीं होगा। ईडी भी विभाग का कर्मचारी है, जो ईडी को जो दूसरे कर्मचारियों को सुविधा मिल रही है ट्रेड यूनियन को, तो ईडी को मिलना चाहिए। स्पेशल केसों में कर्नाटक के केस से सोमालिया का केस में जो विस्तृत चर्चा हुई है, वो वहाँ हरासमेंट हो रहा है, वहाँ जो हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, केरल के केस थे, बंगाल के केस थे, बंगाल में जो एसएसपी में जो हमारे कर्मचारी थे रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए छुट्टी लेकर काम करने गए, लोगों को बताने गए, उनको चार्जशीट दिया है, उसका मामला है। माननीय मल्होत्रा जी के मामले में चर्चा हुई है, माननीय संतोष जी ने माननीय एसएल मल्होत्रा जो राजस्थान के हैं, उनका जो हेडक्वार्टर्स है, हमारे अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है राजस्थान सर्किल के, उनका ट्रांसफर जो किया है उसको नोट कराया है और उनको बोला कि उनको जो है डीजल हेडक्वार्टर भीलवाड़ा में लाना चाहिए। ये इंडिविजुअल केस में भी बहुत सारे प्रॉब्लम हमें वहां पर चर्चा हुई है। आज अजमेर रीजन का ये मामला है, कलकत्ता ईस्ट में जो सुप्रिंटेंडेंट है अमित कुमार झा उनके मामले में भी चर्चा हुआ है, वो कर्मचारियों को किस जन से चार्जशीट और पनिशमेंट जारी कर रहे हैं, इस मामले में भी चर्चा हुआ है। और हम प्रयास कर रहे हैं कि अमित कुमार झा का ट्रांसफर जो है वो कलकत्ता ईस्ट से बाहर होगा और हम इसको करवा कर रहेंगे। ये सब मामले पर आज डिस्ट्रिक्ट 3-4 घंटे हम लोगों की चर्चा हुई है, आप लोग यहाँ पर बैठे, आपने सहयोग दिया, मैंने संक्षिप्त में बहुत सी चीजें रखी, इसके बाद मैं आप लोगों को आगे भी सहयोग और समर्थन की अपील के साथ सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय हिंद। धन्यवाद चंदन जी, चंदन जी ने पूरा विस्तृत ब्यौरा बताया। अब समय की आवश्यकता कम है तो मैं जीडीएस के सीएसके सुगंधी जी से अनुरोध करता हूँ कि वो जीडीएस के बारे में ब्रीफ से विचार व्यक्त करें। माननीय जीडीएस मंच पर उपस्थित परम पूजनीय भारतीय मजदूर संघ के